So what's cracking SPS Cars family, how are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars. I'm Shivam Pratap Singh and I'm back again with another fresh video. और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को complete details देने वाला हूँ related to the Maruti Suzuki S-Cross, क्योंकि बहुत सारे questions Maruti Suzuki ने raise करवा दिए हैं कि क्या S-Cross discontinue होगी, क्या इसका facelift इंडिया में आएगा, अगर S-Cross discontinue होती है तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, क्या मिड साइज एसयूवी सेगमेंट से छोड़ देगी मारुति सुजुकी, तो वो बहुत क्वेश्चंस हैं इसकी रिप्लेसमेंट का. तो वो जो रिप्लेसमेंट होगा वो बेटर होगा, आपको उसको परचेस करना चाहिए या वेट करना चाहिए उसके लिए या नहीं. सो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि मारुति सुजुकी का क्या प्लान है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ कहना है कि अगर आपको समझ में नहीं आता कौन सी कार परचेस करें, सो नो नीड टू वरी गाइस, हाई सेंड कर दे ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर. यहां पे आपको स्पेस कार्स कार बाइंग गाइड का एक कंसल्टेंसी फॉर्म मिलेगा, उसे फिल आउट करें. ये एक पेड सर्विस है, तो हमारे अफोर्डेबल प्लान में से कोई एक चूज करें, सबमिट करें, पेमेंट मेथड आपको पता चलेगा, देन मैं आप सभी से कनेक्ट करूंगा एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार. नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड अब आंसर्स देता हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के. सो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मारुति सुजुकी S-Cross का कुछ डिटेल्स देता हूं. तो ये जो हमारी कार है ये एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे आती है जिससे ये जो हमारी कहीं ना कहीं 100 मीटर की भी सेल्स लेती है, प्लस इसी के साथ साथ जो है वो हमारी मिड साइज़ की भी सेल्स को अट्रैक्ट करती है. एंड नेक्सा में नेक्सा की डीलरशिप्स में आपको देखने को मिलेगी दी S-Cross. वेल अब बात करते हैं सबसे पहले तो क्या मारुति सुजुकी S-Cross को कंटिन्यू रखेगा, इसका फेसलिफ्ट लेकर आएगा, या कुछ और प्लान है, डिसकंटिन्यू करने का प्लान है. तो या मारुति सुजुकी विल डिसकंटिन्यू दी S-Cross. अगर आप S-Cross के ओनर हैं या फैन बॉय हैं या सोच रहे हैं कि इसे परचेज करें, सो ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्द S-Cross जो है डिसकंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि भाई अब इसको डिसकंटिन्यू करना है. तो ये हमारा पॉइंट तो पहले क्लियर हो गया कि ये तो डिसकंटिन्यू हो गई. लेकिन अब इधर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसको लॉन्च करेगी मारुति सुजुकी, क्या करेगी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में. तो उसका आंसर खुद मारुति सुजुकी ने अभी दिया है, दैट इज दी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा. एंड ग्रैंड विटारा की बात करते हैं तो दैट विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ दी S-Cross. और अगर मैं S-Cross की बात करूँ जो कि ग्लोबल मार्केट में रिवील्ड हुई थी November 25, 2021 को, तो उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ग्रैंड विटारा S-Cross जैसी लगेगी. फ्रंट से रियर से डिफरेंट है, साइड से डिफरेंट है, थोड़ा सा बेटर हो रखा है स्टांस ऑफ द ग्रैंड विटारा, तो आपको वो लगेगी कि हाँ यार सिमिलर तो है. तो यस, वही जो हमारी S-Cross है उसी को जो है एक टाइप से ग्रैंड विटारा की तरह जो है इंडिया में लाने का प्लान था. और साथ ही साथ बात करते हैं ग्रैंड विटारा इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि विटारा की अब जो बैजिंग है वो ब्रेजा से हटा दी गई, तो इनके पास एक नेम था विटारा जिसको ये मिड साइज ऐसे भी सेगमेंट में यूज़ करना चाहते थे टू अट्रैक्ट द सेल्स ऑफ द मिड साइज ऐसे भी सेगमेंट. सो ये इनका पूरा प्रॉपर प्लान था. अब रही बात यहाँ पर टोयोटा की, तो टोयोटा ने वैसे ही ज्वाइन कर रखे हैं हैंड्स विद द मारुति सुजुकी. सो दैट यहाँ पे टोयोटा का एक प्लस पॉइंट हो रहा है कि वो हाई राइडर को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको भी एक प्रॉफिट हो जा रहा है कि हाँ यार विटारा आई रही है, ग्रैंड विटारा, उसी के साथ साथ हम भी सेमी कार लॉन्च करेंगे. तो S-Cross के हटने से दो SUV हमारे जो है मिड साइज SUV सेगमेंट में आएंगे, दैट इज द हाई राइडर एंड द ग्रैंड विटारा. बट ग्रैंड विटारा इज द रियल रिप्लेसमेंट ऑफ द S-Cross. ओके ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन का और जो मारुति सुजुकी का प्लान है वो भी आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि डिसकंटिन्यू होगी, तो अब ग्रैंड विटारा कैसी होगी. वेल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ग्रैंड विटारा के मैं ऑलरेडी डिटेल्स बहुत सारी दे चुका हूँ, वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी spacecars.com पर, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ YouTube पे भी आपको देखने को मिलेगी. लेकिन अभी जो हाइलाइट्स हैं ग्रैंड विटारा के वो ये हैं, S-Cross से ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा टॉलर होगी, ज़्यादा वाइडर होगी, इनसाइड द कैबिन ज़्यादा स्पेस के साथ आएगी, प्लस इसी के साथ साथ बात करते हैं तो जो रॉबस्ट या हम रगेडनेस की बात करते हैं तो ज़्यादा वो एक अपीयरेंस इसकी ज़्यादा होगी, रोड प्रेजेंस में कुछ बेटर करेगी, स्टांस अच्छी होने वाली है. सो अगर आप S-Cross का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो
ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट है ऑफ द एस क्रॉस, क्योंकि इससे बेटर शायद से ही मारुति सुजुकी कोई और कार लेकर आती, क्योंकि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा होने वाली है द मोस्ट टैकीएस्ट कार ऑफ द मारुति सुजुकी एवर। फीचर्स के कुछ बात कर लेते हैं, हाईलाइट्स की ही बात करें तो कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करते हैं तो पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, वायरलेस फोन कनेक्टिविटी, 9 इंचेस ऑफ स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इन्फोटेनमेंट टच स्क्रीन विद दैट आपको जो है देखने को मिलेगी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, उसके साथ साथ लेदर अपहोल्स्ट्री, ज़्यादा बेटर एंड प्रीमियम कैबिन। साथ ही साथ बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री व्यू कैमरा, सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, ESP, HAC, HDC जैसे फीचर्स, बहुत कुछ आपको जो है हमारी ग्रैंड विटारा या द एस क्रॉस का फेस लिफ्ट पे देखने को मिल सकता है। वेल वी कांट कॉल इट एस क्रॉस फेस लिफ्ट, बट मैंने एक ऐसे ही बोल दिया ये, आप मत कहिएगा कि ये एक एस क्रॉस का फेस लिफ्ट है ना। हाँ, लोगों का मानना है कि हाँ ये एस क्रॉस फेस लिफ्ट है, बट इट इज़ नॉट, इट्स अ ग्रैंड विटारा। ओके, देन फर्दर बात करते हैं पावर ट्रेन में। वेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो, बट मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगी, दैट इज द स्मार्ट इंटेलिजेंट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। 115 PS तक की हॉर्स पावर चंस आउट करेगी और वेल इनफ है अगर क्रेटा से राइवल करना है तो ये इंजन बेटर कर सकता है। और ये कंबाइंड पावर है, 115 BHP जो है एक कंबाइंड पावर है टोटल पावर आउटपुट इंजन से भी प्लस इसके मोटर के साथ भी। नाउ बात करते हैं सेकंड इंजन की, तो वहाँ पे एक जो है एक और रहेगा जो कि हमें ब्रेजा पे देखने को मिला इंजन, 1.5 लीटर का K-सीरीज जो कि एक स्मार्ट हाइब्रिड यानी कि 12 वोल्ट के लिथियम आयन 48 वोल्ट का जो है लिथियम आयन बैटरी आपको देखने को मिलेगी। 103 PS तक की हॉर्स पावर एंड 136.8 Nm तक की पीक टॉर्क। और हाँ, अब गेयर बॉक्स की बात करते हैं तो आपको जो है वो स्मार्ट इंटेलिजेंट वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सिर्फ CVT के साथ ही आएगा, ECVT आपको देखने को मिलेगा। प्लस इधर बात करते हैं तो यहाँ पे 5-speed जो सेकंड इंजन है 1.5 का वो जो है आपको देखने को मिलेगा, 5-speed मैनुअल एंड द 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गेयर बॉक्स के साथ। इसी के साथ साथ और बात करते हैं तो ऑल ग्रिप, आप यानी कि आपको जो है मारुति सुजुकी का जो ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। सो एस क्रॉस में ये नहीं देखने को मिल रहा था ना, इतने फीचर्स थे ना, पैनोरामिक सनरूफ था ना, हाइब्रिड के साथ आती थी, इलेक्ट्रिक वर्जन था, प्लस इसी के साथ साथ आपको नहीं देखने को मिलता था ये CVT का गेयर बॉक्स एंड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। सो ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली न्यू देखने को मिलेगी। और अगर आप एक एस क्रॉस से बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं तो ग्रैंड विटारा है। एंड या ये एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्या जो रिप्लेसमेंट होने वाला है ऑफ द एस क्रॉस वो बेटर होगा, तो डेफिनेटली बेटर होगा। ओके, तो ये थी द हाइलाइटिंग ऑफ द ग्रैंड विटारा। डिज़ाइन की बात करते हैं तो स्क्रीन पे विजिबल हो रही है कार, कैसा लग रहा है इसका डिज़ाइन वो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा और डिटेल में, सिर्फ ग्रैंड विटारा पर्टिकुलरली उसी पे वीडियो लेकर आऊँगा, देन आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफली। बाकी अभी बात करते हैं, सो क्या आपको वेट करना चाहिए और कब तक लॉन्च होगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग। वेल सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि एस क्रॉस का ये जो फेसलिफ्ट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है यानी कि ग्रैंड विटारा, तो ये जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, रिवील्ड हो चुकी है, डिटेल्स आनी है, वेबसाइट पे जा सकते हैं spacecars.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी बात करते हैं तो इसकी जो है ग्लोबल अनवील्ड हो चुकी है, बाकी बात करते हैं तो ये बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी, दैट इज़ 26 सितंबर को मे बी ये लॉन्च हो जाए, 26 सितंबर को लॉन्च हो जाए ये, और लॉन्च के टाइम पे आपको प्राइसेस देखने को मिल जाएंगी। अब प्राइसेस में क्या क्या होगा तो बता देता हूँ, 10-20 lakh rupees एक्सपेक्टेड एक्सटर्नल प्राइस है, 20 lakhs फॉर द इलेक्ट्रिक वर्जन जो कि हाइब्रिड वर्जन है इसका, रियल हाइब्रिड वर्जन है, बाकी वो जो है सेल्फ चार्जिंग वर्जन है ये भी बता देता हूँ। एंड जो हमारी प्राइजेस होंगी ऑफ द लोअर टर्म्स जो कि 1.5 लीटर के सिर्फ एक पेट्रोल यूनिट के साथ आएगा जिसमें एक थोड़ा बहुत हाइब्रिड आपको देखने को मिलेगा, वो जो है हमारा कॉस्ट करेगा समथिंग अराउंड, उसकी प्राइजेस मेरे अकॉर्डिंगली होंगी समथिंग अराउंड 10-15 के बिटवीन, और 15 के अबव जो है ऑल व्हील हो सकता है, प्लस इसी के साथ साथ हाइब्रिड आपको देखने को मिल सकता है। सो ये डिटेल्स हैं ऑफ द ग्रैंड विटारा। एंड क्या आपको वेट करना चाहिए, डेफिनेटली वेट कीजिए, सितंबर बहुत दूर नहीं है, कुछ ही टाइम रह चुका है, सितंबर 26 बेसिकली नहीं है, इसकी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, ये
हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए या थोड़ी सी पहले भी दे दे, वो तो मारुति सुजुकी पे डिपेंड करता है। लॉन्च डेट जैसे आएगी अपडेट आपको मिल जाएगी थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अभी बात करता हूँ तो वेट कीजिए, और अगर आपको एक बेटर ऑप्शन चाहिए, एस क्रॉस आप परचेज करने वाले थे लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो रही है, तो अब एस क्रॉस से बेटर ऑप्शन ग्रैंड विटारा है, उसमें जाएं, उसमें इन्वेस्ट करें तो आपको बेटर लगेगी। एंड ये बेस्ट होने वाली है क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर ऑल व्हील ड्राइव के साथ आ रही मारुति सुजुकी की कार। सो ये थी हमारे द कंप्लीट वीडियो ऑन द मारुति सुजुकी एस क्रॉस प्लस द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, या हम कह सकते हैं द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एस क्रॉस। सो आपको क्या लगा, क्या थॉट्स हैं आपके ऑन द एस क्रॉस डिसकंटिन्यूएशन? क्या मारुति सुजुकी को कंटिन्यू करना चाहिए था, या मारुति ने बेटर किया ग्रैंड विटारा को इंट्रोड्यूस करके? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो क्लिक कर दे ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट मे नेक्स्ट वीडियो आए ऑन द ग्रैंड विटारा तो उसे आप मिस आउट ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।